हाई टुडे इज सेकेंड ऑफ ऑक्टोबर ट्वेंटी ट्वेंटी इट इज नेवर टू लेट इट इज़ नेवर टू लेट टू बी वॉट यू माइट हैव बीन टूडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स रैपिड जी के ये स्टडे क्वेश्चन के आंसर्स हैं बंकर ये जो टर्म है ये यूज होता है पोलो स्पोर्ट्स में मथुरा यमुना रिवर के बैंक पर लोकेटेड है चंडीगढ़ सिटी डिजाइन बाय ली कार्बोजियर यहाँ एक रॉक गार्डन भी है इसको किन्होंने डिजाइन किया है आंसर दिस क्वेश्चन विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट बाय एरिया ऑफ इंडिया इज गोवा डॉक्टर रघुराम राजन की बुक है आई डू वॉट आई डू ऑन रिफॉर्म्स रेटोरिक एंड रिजोल्व ग्रैमी अवार्ड मिलता है म्यूजिक में आज के रैपिड जीके के सवाल है वॉट इज अ राइनोज राइनो का जो हॉर्न होता है इंडिया में वन हॉर्न है ऐसे डुअल हॉर्न भी होते हैं वॉट इज द राइनो हॉर्न मेड ऑफ वॉट फिनोमिन जो समर स्लीप का होता है अदर इज समर समर स्लीप एनिमल इज कॉल्ड इसको क्या बोलते हैं किस साइंटिस्ट ने ये स्टेट किया था हुन मैन ऑफ इंडिया और जब गैस टर्न होती है लिक्विड में तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं ब्लू कलर स्काई इज ब्लू ब्लू कलर ऑफ द स्का आज हम पढ़ेंगे जीएसटी कलेक्शन क्रॉस नाइनटी फाइव थाउजेंड इन अ गुड न्यूज अटल टनल इनोग्रेशन है कल इसका बायपोल और रेफरेंडम ये टर्म्स क्या होते हैं गांधी जी और शास्त्री जी आज सेकेंड ऑफ अक्टूबर है अन एम्बर्स देन कंस्ट्रेनिंग क्रिटिक सेवेंथ इज द प्राइम मिनिस्टर इंडिया ऑलमोस्ट फॉरगोट नाइनटीन सिक्सटी फोर सिक्सटी सिक्स एंड गांधी जी गांधी जी एज एन इंटरकल्चरल इंडियन इंटर इंटरकल्चरल इंडियन देन दिस इज फेस्टिवल ड्यूटी सर्टिन गैलरी फोटोग्राफ्स इम्यूनिटी बूस्टर एंड दिस इज अबाउट एक्सप्लेन इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन एंड दिस इज दिस आर्मेनिया एंड अजरबैजान फेस ऑफ मैप में आज हम पढ़ेंगे कॉकेकस

विच इज़ अ वेरी ये साइन ऑफ रिलीफ भी कह रहे हैं हाइएस्ट है फाइनेंशियल ईयर सो फार में इंडिकेट कर रहा है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है कोविड नाइन्टीन हुआ लॉकडाउन हुआ इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टॉप हुई और जीएसटी टैक्स कलेक्शन स्टॉप हो गया जीएसटी क्या होता है जीएसटी होता है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स जी एक इनडायरेक्ट टैक्स है इससे ऑफ टैक्सेस हमने रिमूव करने का ट्राई किया था वन नेशन वन टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट था इसीलिए इसे गुड्ज एंड सिंपल गुड एंड सिंपल टैक्स भी कहा गया इसने बहुत सारे जो दूसरे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसको सब्ज्यूम कर लिया था वन ज़ीरो वन टू इकोनॉमिक एक्टिविटी पिकिंग अप स्ट्रीम इन टैंडम विद द ग्रेजुअल ईजिंग ऑफ लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शंस लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस हट रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी और ऑन राइज और दैट इज़ वाई जी का ये नाइन्टी मार्क इस बार हमने क्रॉस किया विच इज़ अ गुड थिंग अदरवाइज अगर जीएसटी कलेक्शन कम होता है तो सरकार को जो जीएसटी कंपनसेशन देना है सेंटर को स्टेट को वो देने में डिफ़िकल्टी होती है सो so, एक्सपर्ट्स ने फिर भी अभी कहा है पॉशन रहने के लिए क्यों क्योंकि हो सकता है जो ये सडन राइज ऑफ डिमांड हुआ है ये कुछ नहीं बट पेंट अप डिमांड है इतने टाइम से लोगों ने अपनी परचेजेज सेल्स स्टॉप करके रखा था अचानक से वो पेंट अप डिमांड रिलीज हुई है दैट इज़ वाई ये जी कलेक्शन राइज हुआ है तो इट कुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ पेंट अप डिमांड इन्वेंटरी री स्टॉकिंग और इसीलिए ये सस्टेनेबिलिटी होगा या नहीं होगा ये अभी क्लियर नहीं है लेट्स वेट वेट एंड वॉच ऑन द राइज जी एस टी सो दिस इज द फर्स्ट न्यूज़ सेकेंड न्यूज इज अबाउट अटल टनल अटल टनल अभी इनोग्रेशन की बात है दिस इज अटल टनल अटल टनल रोहतांग रोहतांग पास में है रोहतांग पास बहुत डिफ़िकल्ट है रोहतांग का वर्ड ही अगर हम देखें तो कॉप्स होता है दिस डेड बॉडीज़ रोहतांग इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट पैसेज सो दैट इज़ वाई यहाँ पे अटल टनल बनेगी तो ये बहुत बेनिफिशियल होगा स्ट्रैटेजिकली इंडिया को हाईवे में हम टनल बना रहे हैं रोहतांग पास में ईस्टर्न पीर पांजाल रेंज ऑफ हिमालय में लेह मनाली हाईवे में इसका 8.9 किलोमीटर लेंथ है विथ्थ 10 मीटर है वर्क 2010 और अभी कल इसका इनाग्रेशन है दो लेन्स होगी यहाँ पे ले मनाली हाईवे में होगा दिस इज़ ये जो डिस्टेंस है ना ले से मनाली की जो अभी 46 किलोमीटर की दूरी है कम होने से ये जो यात्रा पाँच घंटे का समय बचाएगी नाइन किलोमीटर में ये डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगी प्लस जब विंटर्स आती है यहाँ पे वेदर डिफिकल्ट होता है तो सिक्स मंथ तक ये अलग हो जाता था एरिया बट बिकॉज ऑफ नाउ दिस टनल ये वेदर शील्ड हो जाएगा इससे जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे पर्यटन को फ़ायदा होगा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा विदेश का बाजार उपलब्ध होगा दीज आर सर्टेन बेनिफिट्स यहाँ पे इमरजेंसी टेलीफोन एंड ऑल ये सारी हमने दिस प्रिकॉशंस जो रखते हैं हम इन केस ऑफ दिस इन केस ऑफ एनी डिजास्टर ये भी यहाँ पे मेजर्ड है हमने इंश्योर कर रखा है सो दिस इज़ अटल टनल इसका अभी इनोग्रेशन होगा थर्ड ऑफ अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी को दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट जो भी बॉर्डर एरिया है हमारा वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना इज़ अ प्रायोरिटी कल हमने पढ़ा था मेरी टाइम में वी शुड फोकस बट ये जो कॉन्टिनेंट है यहाँ पर भी एट द सेम टाइम हमें अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना है चाइना क्यों इतना ज़्यादा परेशान होता है बिकॉज हमने बॉर्डर में बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है सो वॉट इज़ द मैंडेट ऑफ दिस बी आर ओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसका मैंडेट क्या होता है किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है कैसा काम करती है ये एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर मैनेजिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस इन द बॉर्डर रीजन बॉर्डर रीजन में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक तो क्विक डिप्लॉयमेंट ईजी हो और सेकेंड ऑल वेदर बारह महीने हम यहाँ पे अपनी फोर्सेज डिप्लॉय करें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें यहाँ पे डेवलप करने की जरूरत है सो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन मैंडेट ऑफ बी आर ओ कपल ऑफ डेज बैक मैपिंग में हमने इंडिया के ये सारे बॉर्डर देखे थे लैंड बॉर्डर और इन बॉर्डर्स को कौन सी फोर्स गार्ड करती है सो बी आर ओ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लॉजिस्टिक्स ये वहाँ पे प्रोवाइड करती है रोड्स एट्सेट्रा तो लर्न अबाउट दिस क्वेश्चन दिस इज द क्वेश्चन नंबर वन नाउ नेक्स्ट पेज इज सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू देन सिनेमा हॉल्स एंटरटेनमेंट पार्क टू रिमेन क्लोज इन दिल्ली गवर्नमेंट अभी इसको ओपन करने के मूड में नहीं है सो दिस इज द सेकेंड पेज और ये थर्ड पेज है आज गांधी जयंती है सेकेंड ऑफ अक्टूबर आई शेल वर्क फॉर एन इंडिया इन विच द पुअरेस्ट शेल फील दैट इट इज देयर कंट्री इन हुज़ मेकिंग दे हैव एन इफेक्टिव वॉइस गांधी जी एंड शास्त्री जी का भी आज है ट्रू डेमोक्रेसी और द स्वराज ऑफ द मासेस कैन नेवर कम थ्रू अन एंड वॉयेंट मीन्स एडिटोरियल एडिटोरियल से पहले यहाँ पे बायपोल का एक न्यूज है कुछ राज्यों में कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में बायपोल कराने की बात हो रही है वट डज़ इट मीन बाय बायपोल बायपोल होता क्या है आपने जो नॉर्मल चुनाव होते हैं विधानसभा के लोकसभा के चुनाव हुए यहाँ पे एक कैंडिडेट आया बिकॉज ऑफ सम रीजन या तो कैंडिडेट ने रिज़ाइन कर दिया जो इलेक्टेड कैंडिडेट है एम पी या एम एल ए रेजिग्नेशन हुआ या फिर उन्होंने या फिर वैकेंसी हो गया बिकॉज ऑफ डेथ और एनी रीज़न तो वहाँ पे फिर से इलेक्शन कराना पड़ेगा उस पोस्ट को फिल करने के लिए दिस इज़ कॉल्ड बायपोल इलेक्शन हेल्ड इन अंगल पोलिटिकल कॉन्स्टिट्यू फिल अ वैकेंसी वैकेंसी के लिए आता है बाईपोल अराइजिंग ड्यू टू गवर्नमेंट टर्म ऑफ ऑफिस सो दिस इज बायपोल एक और टर्म होता है वो होता है रेफरेंडम रेफरेंडम क्या होता है रेफरेंडम ना डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का एक पार्ट होता है रेफरेंडम डायरेक्ट और यूनिवर्सल वोट होता है एंटायर इलेक्टोरियल इज इनवाइटेड पूरे इलेक्टोरेट को इनवाइट करते हैं टू वोट ऑन अ पर्टिकुलर प्रपोजल जैसे ब्रेग्जिट पे सबको बुलाया ब्रेग्जिट करना है यस yes, ब्रेग्जिट नहीं करना है नो सो दैट वाज अ रेफरेंडम दिस में रिजल्ट इन द एडॉप्शन ऑफ न्यू पॉलिसी और स्पेसिफिक लॉ सिनोनिमस विद द प्लेबिसाइट और वोट ऑन अ बैलेट क्वेश्चन तो दिस इज रेफरेंडम रेफरेंडम यूजली जो सर्टेन पॉलिसीज होती है उसमें यस और नो पूछने के लिए होता है जैसे ब्रेग्जिट करना है या नहीं करना है रेफरेंडम हुआ दिस इज कॉल्ड रेफरेंडम तो ये जो फॉर्म होते, है होते हैं ना रिकॉल रेफरेंडम लेबिसाइट ये सब चीज़ें होते हैं डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के एलिमेंट्स मेंबर ऑफ लजिस्लेटिव असेंबली अगर लीव पे है पोजीशन वैकेंट है या फिर वो इनेप्ट हो गए हैं अनटाइमली डेथ है क्रिमिनल कॉन्विक्शन है नो मैटर वॉट द रीज़न इज अगर पोस्ट वैकेंट हुई है तो वहाँ पर फिर बाइपोल से इलेक्शन होंगे सो दिस इज बायपोल एंड दिस इज रेफरेंडम प्रिपेयर अ नोट ऑन डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्लास नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ दिस एन सी आर टी पॉलिटिकल साइंस वेरी वेरी गुड बुक ये जो छोटी छोटी डेफिनेशन है ना वहाँ पर बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि रेफरेंडम क्यों नहीं होना चाहिए डायरेक्ट कब होना चाहिए इनडायरेक्ट कब होना चाहिए इंडिया में हमने किस टाइप ऑफ दिस गवर्नमेंट लिया रेफरेंडम होता है तो कैसे होता है प्रोसीजर क्या होता है किन कंट्रीज में रेफरेंडम हैव अ लुक दिस नाइन टेंथ इलेवंथ ट्वेल्थ एन सी आर टी विल शॉर्टली रिज्यूम सो दिस इज अ प्रिपेयर अट ऑन डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है लेट्स प्रिपेयर अ नोट रेफरेंडम और लेबिसाइट में डिफरेंस भी यू शुड नो सो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन प्रिपेयर अ नोट ऑन डायरेक्ट डेमोक्रेसी नाउ गांधी जी एंड शास्त्री जी महात्मा गांधी जी हैं इनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी है इंडियन लॉयर थे एंटी कोलोनियल नेशनलिस्ट थे पॉलिटिकल इथिसिस्ट थे एम्प्लॉइड नॉन वायलेंट रजिस्टेंस टू लीड द सक्सेसफुल कैंपेन फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल सिविल राइट्स ऑफ फ्रीडम अक्रॉस द वर्ल्ड में भी इनका नाम है सेकेंड अक्टूबर एटीन सिक्सटी नाइन पोरबंदर में आपका जन्म हुआ था सो दिस फुल नेम इज़ मोहनदास करमचंद गांधी जी ये लाल बहादुर शास्त्री जी हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे हैं सिक्सटी फोर टू सिक्सटी सिक्स लाल बहादुर शास्त्री जी इंडियन पॉलिटिशियन थे सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे आपने प्रमोट किया वाइट रिवॉल्यूशन वाइट रिवॉल्यूशन इज अबाउट मिल्क नेशनल कैंपेन था इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ मिल्क वाइट रिवॉल्यूशन के फादर किन को बोलते हैं प्रोपोनेंट साइंटिस्ट सपोर्टिंग अमूल मिल्क कोऑपरेटिव आनंद गुजरात नेशनल डेयरी डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अभी हम आगे एक आर्टिकल भी एडिटोरियल में पढ़ते हैं सेकेंड ऑफ अक्टूबर नाइनटीन मुगल सराय में जन्म हुआ था सो दिस इज गांधी जी एंड शास्त्री जी अब ये जो एडिटोरियल है दिस इज अबाउट अन डाइंग एम्बर पॉइंनेंट पॉज एज अ सोसाइटी वी सर्टेनली नीड इंट्रोस्पेक्शन अन डाइंग एम्बर्स इंक्रीजिंग जेंडर सेंसिटिविटी है ये क्रूशियल है टू एनहेंस वीमेंस सेफ्टी इंक्रीजिंग जेंडर सेंसिटिविटी क्रूशियल है टू एनहेंस सेफ्टी निर्भया केस हुआ था 2012 में गवर्नमेंट ने सेटअप किया जस्टिस जे एस वर्मा कमिटी रिकमेंडेशंस आए क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में 2013 में अमेंडमेंट हुआ चेंजेस आए इंडियन पिनल कोड में कल्प्रिट्स को हैंक हो गया फास्ट ट्रैक करें अब 2020 है और इस पूरे ड्यूरेशंस में भी ये इस टाइप से जो अनडाइंग जेंडर सेंसिटिविटी के जो इनसेंसिटिविटी के केसेस हैं वाई दे आर ऑन राइस एज अ सोसाइटी दिस इज अवर कलेक्टिव रेस्पांसिबिलिटी इंट्रोस्पेक्शन हैजू बी देयर कास्ट टेंशंस दो हजार बीस का इंडिया है और अभी भी ये हो रहा है कास्ट टेंशन कॉन्टिन्यूज टू सिमर ऑन द ग्राउंड इनहेबिटेबल साइकिल आता है ह्यूमिलियशन का वायलेंस का इक्विटीज का गर्ल्स हैज बीन फोर्स टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल ईयर्स अगो सेक्शुअल वायलेंस है टू ऑपरेस लोअर कास्ट हैज़ बीन ऑन द राइज दिस इज नॉट द अवर इंडिया एक्सेप्टेबल नहीं है बट चैलेंज जो है अभी वो ये है लीस्ट जो गवर्नमेंट कर सकती है वो ये है कि फास्ट ट्रैक करे इन्वेस्टिगेशन ट्रांसपेरेंट वे में इफेक्टिव वे में एंश्योर करे जस्टिस इज द लीस्ट अथॉरिटीज कैन डू राइट नाउ सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इंट्रोस्पेक्शन और ये जो जेंडर इनसेंसिटिविटी के केसेस आते हैं दैट हैज टू बी स्टॉप्ड चैलेंज है टू एंश्योर दैट दीज ट्रेजिडीज आर नॉट फॉर गॉटन एल्स दोज एम्बर्स ऑन अ सॉर्डिड नाइट में नॉट बी द लास्ट वंस इंक्रीजिंग जेंडर सेंसिटिविटी इज़ क्रूशल टू एनहेंस वेमेंस सेफ्टी दिस इज़ नॉट अबाउट दिज एक्सट्रीम केसेज हम डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेज यू वुड सी जेंडर इन सेंसिटिव वे में सोसाइटी वर्क करती है दिस हैजू स्टॉप इंक्रीज करने की ज़रूरत है जेंडर सेंसिटिविटी और ये जो ग्रूमिंग होती है ये एकदम जीरो से स्टार्ट होनी चाहिए दिस इज अवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी देन ओनली एक टेंजिबल सस्टेनेबल जो सोसाइटी हम चाहते हैं राइट टू इक्वालिटी वाली वो तब यहाँ पर इंश्योर होगी एंड सर्टन थिंग्स जो हैं दिस हैजू स्टॉप इंक्रीजिंग जेंडर सेंसिटिविटी इज क्रूशल और ये हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू एनहेंस वीमेंस सेफ्टी सो दिस इज द फिफ्थ पॉइंट सिक्स इज अबाउट दिस कंस्ट्रेनिंग क्रिटिक कंस्ट्रेनिंग क्रिटिक ये जो न्यूज़ है दिस इज अबाउट एफ सी आर ए एफ सी आर एमनेस्टी गवर्नमेंट एन पे एक एफ के थ्रू एन जी ओज़ मैनिया टाइम्स मिस करते हैं फॉरेन फंडिंग को कंट्री के अगेंस्ट एक्टिविटीज़ करते हैं तो गवर्नमेंट एफ में अमेंडमेंट्स लेके आई और इसको स्टॉप करने का ट्राई किया एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपने ऑपरेशन स्टॉप कर दिए हैं अगर इंडिया इस्पायर करता है टू बिकम अ डेवलप्ड एंड जस्ट नेशन तो हमें बिल्ड करना पड़ेगा स्ट्रेंथ पे जैसे कि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है प्रोसीजरल इंस्टीट्यूशंस है हमेशा जो स्ट्रेस होता है ना वो इंस्टीट्यूशन पे होना चाहिए इंस्टेड ऑफ दिस नंबर ऑन दिस दिस पर्सन इंडिविजुअल नहीं इंस्टीट्यूशन होना चाहिए इंस्टीट्यूशन बिकॉज स्टे करता है इंडिविजुअल आज है कल नहीं है इंस्टीट्यूशन हमेशा बने रहते हैं प्रोसीजरल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए हैविन बिल्ट ओवर डेकेट्स कंट्री को ज़रूरत है नीड टू अलाउ एक वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी हो स्पीयर हैडेड करें सेवरल रिफॉर्म्स रिलेटेड टू अकाउंटेबिलिटी होनी जरूरी है जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वेलफेयर की ज़रूरत है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट प्राइवेसी राइट्स की ज़रूरत है जेंडर इक्वलिटी इज इम्पॉर्टेंट एंड रफ सेल माइनॉरिटी एनवायरमेंटल एक्टिविज़म दीज आर नॉट जस्ट वर्ड्स दिस इज़ द नेसेसिटी इस पर ज़रूरत है कि हमें एक वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी हो और गवर्नमेंट का ये रोल होता है बट गवर्नमेंट एवरीवेयर नहीं हो सकती इसीलिए रोल आता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का तो अगर हम ब्लैंकेट वे में इनको जज करें जस्ट एफ से इनके हर्डल्स क्रिएट करें तो इससे जो बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें होती है टू कैच सर्टेन नेगेटिविटी हमने इतने सारे पॉजिटिव चीज़ों को भी डिनाई कर दिया विच इज़ नॉट राइट एन का इंपॉर्टेंट रोल रहा है काफ़ी अच्छे इन्होंने काम किए हैं दैट इज़ वाई कंस्ट्रेनिंग क्रिटी वी नीड टू बी केयरफुल ऑन दिस थिंग एज वेल देन दिस इज़ अबाउट द प्राइम मिनिस्टर इंडिया ऑलमोस्ट फॉर गॉड लाल बहादुर शास्त्री जी लाल बहादुर शास्त्री जी एक्सलेंट प्राइम मिनिस्टर थे टर्म काफ़ी छोटा था 64 फोर टू सिक्सटी तो बहुत सारे वर्क ये जो उन्होंने स्टार्ट किया था आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए इस क्वाइट एसेंट टू तो प्राइम मिनिस्टरशिप हैज़ एंड इज लाउड एक्शन एज प्राइम मिनिस्टर लाउड एक्शन एज प्राइम मिनिस्टर एक्शंस मोर देन वर्ड्स फेल थ्रू द क्रैक्स बिटवीन नेहरूवियन इरा एंड इंदिरा गांधी जी इरा इन्होंने बार सेटअप किया एथिक्स का प्रॉबर्टी का कंडक्ट का पब्लिक लाइफ में कैसे कंडक्ट करना है एथिक्स एंड प्रॉबर्टी एक्जरी एग्जाम्पल सेट किए क्वाइटली वर्क किया क्वाइट चेंजेस लाए फूड सिक्योरिटी इंडिया जो इस टाइप का था वो शिप्ट टू दिस माउथ कंट्री बोलते थे हम इम्पोर्ट करते थे फूड और वो सीधा फिर हमें शिप्ट टू माउथ फूड सिक्योरिटी वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो ग्रीन रिवॉल्यूशन होगा उसका जेनेसिस फाउंडेशनल वर्क इस दौरान में हुआ ये जो इंडिया था इस टाइम का ये ऐसा नहीं था कि चैलेंजेस यहाँ पर नहीं थे देर वर लॉट ऑफ चैलेंजेस बट शास्त्री जी ने क्वाइटली सीसियरली ट्रैगमेटिक वे में इस पूरे डिफिकल्ट रोड को मैनोवर किया एक बार सेट किया सी द एथिक्स रेलवे एक्सीडेंट हुआ फिफ्टी सिक्स में शास्त्री जी ने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया और रिज़ाइन कर दिया कैबिनेट पोस्ट मिला था सिक्सटी थ्री में शास्त्री जी को बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेंदन करने के लिए कहा गया इन्होंने विलिंगली रिजाइन करके पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में आ गए सो दिस सेट्स द बार प्रॉबिटी एंड दिस पब्लिक सर्विस के एग्जाम्पल्स एग्जैम्पलरी एग्जाम्पल्स क्वाइट चेंजेस किए मैनी मैनी फ्रंट्स में ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो जेनेसिस है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो जेनेसिस है वो यहाँ पे इन्होंने इंश्योर किया एक्सिलेंट वर्क काफ़ी सारे चैलेंजेस भी थे ऐसा नहीं था इंडिया नया कंट्री था बहुत सारे चैलेंजेस थे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट अब न्यूक्लियर चैलेंज आ रहा था चाइना का सोवियत लीडरशिप एक चेंज हो रहा था नए लीडर पाकिस्तान प्रेसिडेंट अयूब खान एंग्लो अमेरिकन कॉमनवेल्थ कंबाइंडली डिस्ट्रैक्ट हुआ वेरियस इश्यूज में जैसे वियतनाम और सदरन रोडेशिया ये डिफ़िकल्ट रोड थी अभी शास्त्री जी ने बहुत एप्ट वे में इसमें मैनूवर किया इंडिया को देन इसके बाद फिर पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ 1965 में इस वॉर में भी इंडिया ने एक्जेंपलरी परफॉर्मेंस किया अंडर दिस प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ शास्त्री जी देन जय जवान जय किसान बिकॉज फूड सिक्योरिटी बहुत एसेंशियल थी एंड हमें एनकरेज करना था तो जितने जवान इम्पोर्टेंट होते हैं देश के लिए सोल्जर्स उतने ही किसान भी इम्पोर्टेंट होते हैं देश के लिए सो so, जय जवान मतलब जवान किसान इज इक्वल टू जवान हाईलाइट शास्त्री जी की हेरिटेज करें तो उन्होंने शिफ्ट किया नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनलाइज टू इंस्टीट्यूशनलाइज हमेशा फोकस इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए इंडिविजुअल्स नहीं जैसे आप सिविल सर्विसेज में देखो दिस इज एन इंस्टीट्यूशन ओके ऑफिसर्स आते हैं ऑफिसर्स रिटायर होके चले भी जाते हैं ये इंस्टीट्यूशन हमेशा बना रहता है इंस्टीट्यूशनलाइज गवर्नमेंट करें लेइंग द स्ट्रेस फ्रॉम इंडस्ट्री टू एग्रीकल्चर कमांड टू इकोनॉमी दिस ऑल थिंग एक्जेंपलरी वर्क डन इन दिस शास्त्री जीज पीरियड सो दिस ऑल दो पीरियड काफ़ी कट शॉर्ट हो गया बिकॉज ऑफ अनटाइमली डेथ बट शास्त्री जी ने बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे वर्क किया एक गाइडेंस चैनलाइज किया डायरेक्शन दिया इंडिया को उस टाइम पे जो बहुत जरूरी था दिस इज द प्राइम मिनिस्टर इंडिया ऑलमोस्ट almost forgot दिस इज अबाउट महात्मा gandhi ji as एन इंटरकल्चरल इंडियन हम जो भी डिफरेंसेस आते हैं ना तो आप देखना मोस्ट जो बड़ा रीजन होता है डिफरेंसेस आने का एप्रीहेंशन आने का नॉन अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग नहीं होने का वो होता है लैक ऑफ क्लैरिटी हम समझते नहीं है लैक ऑफ कम्युनिकेशन वेन यू इंटरैक्ट विथ सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट पीपल यू गेट डिफरेंट डिफरेंट व्यू पॉइंट परस्पेक्टिव और इससे ये ब्रॉडन होता है दिमाग महात्मा गांधी जी इंटर कल्चरल इंडियन थे गांधी जी को गांधी जी बनाने में सबसे बड़ा जो रोल था वो था इन्होंने ट्रैवल किया साउथ अफ्रीका में गए डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिले ये उनकी अंडरस्टैंडिंग समझी गांधी जी जब इंडिया में आएंगे 1915 में तो गांधी जी इमीजिएटली पॉलिटिकल इसमें नहीं आएंगे फॉर फर्स्ट फ्यू ईयर्स ये ट्रैवल करेंगे एक्सटेंसिवली इंडिया को ही विल गेट टू नो अबाउट इंडिया वॉट इज़ इंडिया इंडिया कोई एक पर्टिकुलर इंडिया इज ह्यूज देर इज सो मच डायवर्सिटी सो इंटर कल्चरल इंडियन गांधी जी की प्रॉक्सिमिटी थी ईस्ट से वेस्ट से ये फ्रूटफुल हुई गांधी जी इंटलेक्चुअल ओपननेस था इसने इनको हेल्प किया टू लिव अप टू इज आइडियल्स गोल्डन इन्होंने अपॉइंट किया गोल्डन वेज टू बी फ्रेंड्स विद द वर्ल्ड जैसे हम वासुदेव कुटुम्बकम की बात करते हैं गोल्डन वेज टू फ्रेंड्स विद द वर्ल्ड एंड रिगार्ड द होल ह्यूमन फैमिली एज वन डिस्टिंग करें बिटवीन द वोटरीज ओन रिलीजन एंड ऑफ अनादर मिस एजुकेट्स द मेमर्स ऑफ इज ओन एंड एंड रिलीजन सो दिस वर्ल्ड हैज़ वन रिलीजन इन दिस डायरेक्शन गांधी जी पुट एफर्ट गांधी जी की फिलोसफी थी डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूज हो एक लूरलिस्टिक हो मल्टी डायमेंशनल हो प्राइमरली जो हो वो रूटेड ऑफ दिस इंडियन हो गांधी जी के भी डीपीएसपी में आप बताओ कौन से डीपीएसपी हैं जिनको हम गांधीयन डीपीएसपी बोलते हैं गांधी जी की फिलॉसफी डायरेक्शन को ये आगे प्रोपेल कर रहे हैं तो गांधी जी एज एन इंटरकल्चरल इंडियन प्रॉक्सिमिटी ईस्ट वेस्ट इंटेलेक्चुअल ओपननेस हेल्प हिम टू लिव अप हिज आइडियल आइडिया ऑफ इंडियननेस जस्ट सोसाइटी हो एथिकल मोड ऑफ कंडक्ट हो और रियलिस्टिक होप भी हो सो दिस इज अबाउट गांधी जी गांधीयन थॉट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेशली आप मेन्स में आंसर लिखते हैं ऐसे लिखते हैं गांधीन फिलासोफीज एंड थाट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो दिस इज गांधी जी एज इंटरकल्चरल इंडियन दिस इज़ शुड ऑनलाइन गैम्बलिंग इन इंडिया बी रेगुलेटेड ये पेटीएम पे है पेटीएम ने कुछ अपडेट्स किए इसमें एक फॉर्म ऑफ गैमलिंग था गूगल ने पेटीएम के ऐप को ब्लॉक कर दिया शुड ऑनलाइन गैम्बलिंग इन इंडिया बी रेगुलेटेड रेगुलेशन रादर देन अ बैन बिकॉज गैम्बलिंग कुछ एरियाज में है अभी जैसे हॉर्स का रेस होता है रेगुलेशन रादर देन अ बैन कूड ब्रिंग विद इट सेवरल बेनिफिट एज सीन इन अदर तो बात ये होती है कि आउट राइट बैन कर दें इसके बजाय इसको रेगुलेटेड वे में कराएँ सो देट इससे एक बिग सोर्स ऑफ इनकम एंड रेवेन्यू भी जनरेट हो सरकार के लिए बिकॉज अगर सरकार इसको आउट राइटली रिजेक्ट करती है तब भी हो तो रहा है ये और एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट लॉस कर रही है तो दिस इज़ अ डिबेट ऑन दिस की इसको रेगुलेट करें या नहीं करें स्ट्रैटेजिक डीलिंग विद चाइना इज इम्पॉर्टेंट एंगेज करें चाइना के साथ इकोनॉमिकली चाइना का जो मोस्ट एम्फेसिस है मोस्ट सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है इसका इकोनॉमिक माइट चाइना के पास ह्यूज फॉरेन रिजर्व आप देखना इंडिया का और चाइना का फॉरेन रिजर्व यू वुड बी सरप्राइज चाइना के पास बहुत पैसा है एंगेज विद चाइना इकोनॉमिकली इवन एज इट कॉन्फ्रेंस मिलिटरी तो अगर हम चाइना के साथ जैसे हमने ऐप बैन किए रिस्ट्रिक्शंस लगाया एफ पे ऑटोमेटिक रूट के थ्रू नहीं आएगा बट इससे क्या होता है हमें भी लॉस होता है अगर आप इंडिया के स्टार्टअप को देखो तो आठ बिलियन डॉलर चाइना के जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है इंडियन स्टार्टअप्स में यू पिक एनी टॉप स्टार्टअप का ये लिस्ट देखना और उसमें देखना पैसा कहाँ से आया है यू वुड सी चाइना ओवर दैट तो अगर ये कट होगा तो हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें भी हैम्पर होगा सो स्ट्रैटेजिक डीलिंग विथ चाइना इज़ ज़रूरी कन्फ्रेंस मिलिटरी जो हम कर रहे हैं दैट इज़ गुड यहाँ पे हम स्टैंड करें बट नीजर्क रिएक्शंस नहीं होने चाहिए सिस्टमेटिकली वी शुड प्रोसीड एंड नो अबाउट चाइना चाइना थोरोली लास्ट फोर फाइव मंथ्स में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है और ये नेसेसरी भी है यू ऑल्सो डू दिस लर्न एज मच अबाउट चाइना एज यू कैन बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी हियर नेबर है हमेशा रहेगा एंड इट्स अ स्ट्रॉन्ग एंड अजर्टिव नेबर सो लर्न अबाउट चाइना देन दिस इज अबाउट ओपेड ये है न्यूज़ दैट इज फेस्टिवल ड्यूटी चोजन वंस ये एलिफेंट हैं दशहरा फेस्टिविटी मायसूर में एलिफेंट्स यहाँ पे फेस्टिवल ड्यूटी कर रहे हैं दिस इज स्नैक बोट रिटर्निंग इट टू ग्लोरी केरला में जो बैक वाटर्स है बैक वाटर्स में वाटर का इतना फ्लो नहीं होता है स्टेगनेंट रहता है काइंड ऑफ वाटर तो यहाँ पे बोट रेस होती है और ये बोट रेस है रिटर्निंग इट टू ग्लोरी दिस अलापूजा लास्ट वीक में ये वापस बोट रेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं दिस इज स्नेक बोट इसमें बहुत सारे आप यूट्यूब में देखना काफ़ी सारे लोग होते हैं वो साइमल्टेनियसली सिंक्रोनस वे में चप्पू चलाते हैं और इस तरीके से ये बोट बहुत तेजी से आगे बढ़ती है इसकी रेस होती है इस केरला में अलापूजा में सो दिस इज स्नेक बोट ये नेशनल बटरफ्लाई है सवाल आया था महाराष्ट्र की दिस स्टेट बटरफ्लाई कौन सी है आंसर दिस फिल्म में अभी पढ़ा हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में अब बात हो रही है कि ओल्ड टू सेलेक्ट नेशनल बटरफ्लाई टेक्स विंग सेवन विंग्ड ब्यूटीज है फाइनल लिस्ट में है नेचर लवर्स इन कंट्री इंडिया का भी एक नेशनल बटरफ्लाई बनाने की बात है आईआईटी मद्रास इनोवेशन दिस इज इन्होंने एक नैनो फाइबर यान बनाया है ये बायो एब्जॉर्बेबल रहेगा हायर लोड ऑफ एंटीबायोटिक्स भी ये डिलीवर कर सकता है ये नैनो फाइबर है नैनो फाइबर मतलब टेन टू दावर हाउ मच सो दिस इज नैनो फाइबर

ये एज्यूम किया कि हम इम्यूनिटी बूस्टर्स लें टर्मरिक इज देयर बट एक्सेस अति सर्वत्र वर्जते टर्मरिक टर्मरिक इज गुड बट एक्सेस इज नॉट गुड साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं इमीजिएटली स्टॉप हर किसी की बॉडी डिफरेंट होती है सिमिलरली जिंजर जिंजर प्लस टी एक्सलेंट सो दिस इज जिंजर दिस इज ब्लैक पेपर और ये है फेनोग्रीक इसको हिंदी में क्या बोलते हैं आप बताइए फेनोग्रीक दिस इज गार्लिक एंड दिस इज क्यूमिन एंड कोरिएंडर सीड्स तो ये सब जो चीज़ें हैं सिक्स हैं दे आर एक्सलेंट इम्यूनिटी बूस्टर बट अति नहीं एंड इफ यू हैव एनी साइड इफेक्ट स्टॉप इट इमीजिएटली फर्दर इफ यू मूव अहेड देन दिस इज वर्ड न्यूज़ नो डिसीजन येट ऑन ऑस्ट्रेलियाज पार्टिसिपेशन इन मालाबार ड्रिल मालाबार ड्रिल में ऑस्ट्रेलिया को इन्वाइट करें या नहीं करें क्वाड के बारे में बहुत स्ट्रॉग सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं बट इज दिस द टाइम और इसमें कैसे प्रोसीड करें अभी गवर्नमेंट फ़िलहाल के लिए इनडिसाइजिव है क्वाड कंट्रीज बिल होल्डर मिनिस्टरियल मीटिंग दिस मंथ इंडियन ओशियन शुड बी अवर प्रायोरिटी फोकस और यहाँ पे लाइक माइंडेड कंट्रीज का कन्वर्जेंस जरूरी है टू करटेल दिस चाइना मेरी टाइम सुप्रीमेसी दिस इज ट्राई एलिट्रल नेवी एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया यूएस एंड जापान अब ऑस्ट्रेलिया को इंक्लूड करना है या नहीं करना है ड्रिल में इस बात पर डिसीजन हो रहे हैं दिस इज रशिया आर्मेनिया अजहब में क्लेश क्लैशेज हो रहे हैं इसको भी हम आगे पढ़ते हैं देन दिस इज बिजनेस न्यूज़ दिस इज द गुड न्यूज फुल थ्रोटल स्टडी भी कैसे करना चाहिए फुल थ्रोटल मारुति सुजुकी डिस्पैचेस दीज मैनी कार्स वापस डिमांड आ रही है होलसेल्स ऑटो में दिस इज अ गुड न्यूज़ मैन्युफैक्चरिंग पी एम आई सीज़ फास्टेस्ट ग्रोथ इन एट ईयर ये जो पी एम आई होता है ना परचेजिंग मैनेजर मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स आई एच एस मार्केट इंडिया रिलीज करता है इसे मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स ये अभी 56.8 आया है अगर ये 50 के ऊपर होता है मतलब एक्सपेंशन हो रहा है 50 के नीचे होता है मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो दिस इज़ गुड 56.8 मतलब एक्सपेंशन हो रहा है तो so, ये एक और एक चीज़ बता रहा है कि डिमांड फिर से आ रही है मैन्युफैक्चरिंग इज ऑन राइज मैन्युफैक्चरिंग का हिट करना ज़रूरी है एक्सपोर्ट्स भी इंक्रीज हो ऑप्टिमिज्म स्ट्रेंथन हो एक्सपोर्ट रेडी बोर्ड चाइना टॉप बायर दिस इज अबाउट स्टील यूज लोवेस्ट है स्टील हुआ और इलेक्ट्रिसिटी हुआ ये जितना कंजम्पशन ज़्यादा होता है तो ये इंडिकेट करते हैं इकोनॉमी उतना ही बेटर कर रही है क्रेडिट रेशियो प्लन्जेस टू डेक लो ईटिंग ईजिंग कोविड नाइन्टीन कर्ब्स बूस्ट डिमांड एन जो हमने पढ़ा ना नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ ये तीनों बुक्स ना मोस्टली थ्योरेटिकल भी थी बहुत ज़्यादा तो इसको क्विक रीडिंग भी कर लिया तो वो ठीक है इट्स ऑल राइट जो ट्वेल्थ की एन है माइक्रो एंड मैक्रो इसमें बहुत सारे कॉन्सेपच्चुअल चीज़ें हैं इसको अभी हम ईजिली बनाएंगे एंड वेरी गुड क्वालिटी विल डू इट अभी आई स्टार्ट आई स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस सून माइक्रो एंड मैक्रो दोनों इकोनॉमिक्स कंप्लीट करेंगे दिस इज गिग वर्कर गिग वर्कर्स लॉस्ट इनकम ड्यूरिंग पैंडमिक पैंडमिक के टाइम पे गिग वर्कर्स लॉस्ट इनकम गिग इकोनॉमी क्या होती है यू शुड नो देन दिस इज आई और ये हंड्रेड लैक बेल्स हैं कॉटन के सीजन एंड विद दीज मैनी बेल्स बी टी कॉटन पिंक बॉल वर्म

फाइनेंस मिनिस्ट्री कन्विंस नहीं है अबाउट द नीड फॉर अ लार्ज फिजिकल स्टूबुलस बिकॉज टाइमिंग टाइमिंग अगर करेक्ट नहीं होगी अभी पैसे आ भी जाएंगे वो सारे वेस्ट हो जाएंगे टाइमिंग और ये कोविड नाइन्टीन का फ्लैटन कब हो रहा है कर्व ये डिटरमाइन करेगा कब कितने पैसे लगाने पॉलिसी एडवाइजर हाव व्यू है कि अनप्रेसिडेंटेड शॉक है काउंटर काउंटरसाइकिलिक रिस्पॉन्स करें ज़्यादा डिले नहीं करें इकोनॉमी इज नॉट डूइंग वेल डायर नीड है सस्टेन करें रिकवरी टिल प्राइवेट सेक्टर डिमांड्स पिकअप गवर्नमेंट ने मना नहीं किया है फिजिकल स्टिमुलस देने से गवर्नमेंट इज जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम वाई गवर्नमेंट इज हेजिटेंट टू स्पेंड सुप्रीम कोर्ट ने जंक किया गुजरात ऑर्डर ऑन वेजेस लॉन्गर आवर्स ऑफ वर्क दिस इज ऑल्सो वन थिंग गवर्नमेंट इकोनॉमी कुछ सरकारी इकॉनमी को वापस रीबाउंड करने के लिए जो लेबर लॉज हैं उसमें एक्सटेंशन कर दिए लाइक वेजेस लॉन्गर आवर्स कर दिए वर्क के आठ की जगह ज़्यादा घंटे काम करना पड़ेगा बट ये आर्टिकल ट्वेंटी वन के अगेंस्ट है राइट टू लाइफ एवरी पर्सन को होता है राइट टू लाइफ आर्टिकल ट्वेंटी वन में वर्कर्स इंक्लूडेड इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ सोशल इकोनॉमिक फ्रीडम होना चाहिए एबसेंस ऑफ जस्ट एंड ह्यूमैन कंडीशन ऑफ वर्क इज़ नॉट एक्सेप्टेबल सो दैट इज वाई सुप्रीम कोर्ट ने जंक कर दिया है लॉन्गर वेजेस एंड आवर्स ऑफ वर्क को आर्टिकल एंड 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फोर्ड लेबर 23 एंड राइट टू लाइफ 21 और चिल्ड्रन एम्प्लॉयमेंट कौन सा आर्टिकल है सो दिस इज रिलैक्सेशन का जो बात था फैक्ट्रीज एक्ट नाइनटीन फोर्टी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इसे जंक कर दिया है page borrow to spend borrow to spend कल हमने fiscal deficit के concept समझे थे सरकार बोरो कर रही है नौ परसेंट से ज़्यादा हो सकता है हमारे जीडीपी का टारगेट साढ़े तीन परसेंट होना चाहिए बट सरकार अभी भी ऑप्टिमिस्टिक है दिस बारह हज़ार से ज़्यादा नहीं होगा बोरो टू स्पेंड बोरो ज़रूरी है बिकॉज सरकार बोरो करके खर्चा करेगी इससे डिमांड्स आएगी इकोनॉमी को हेल्प मिलेगा बैक टू फॉरन हैंड दिस इज अबाउट एफ सी आर एफ सी आर इज़ गुड बट वी हैव टू बी केयरफुल अदरवाइज सर्टेन नेगेटिव्स को किल करने के लिए हम बहुत सारे पॉजिटिव्स भी ल कर देते हैं विच इज़ नॉट राइट देन दिस इज शंकर विक्रम बेताल स्टोरीज एंड दिस इज द यू एस एंड दिस इज शुड यू बाय अउस नाव जो रियलिटी सेक्टर है ना इसमें अभी प्राइस बहुत ज़्यादा ड्रॉप चल रहा है तो शुड यू बाय अ हाउस नाव मैनी टाइम्स जो सिटीज़ में वर्क करते हैं वो लोन ले कर फिर परचेज करते हैं ऐसे फ्लैट्स एंड ऑल तो इज दिस द राइट टाइम रेंट पे रह के रहना अच्छा होता है या फ्लैट ले और फिर उसकी ई एम आई भरे ये एक बहुत बड़ा डायलमा रहता है अक्सर सो दिस इज हाउस नाउ देन ये कॉन्फ्लिक्ट है इसको हम बात करते हैं आर्मीनिया वर्सिज अजरबैजान इसकी मैपिंग भी देखेंगे ये जो एरिया है दिस इज कॉकेकस ये जो एरिया है दिस इज नागोरोनो काराबाग इस बात पे अभी यहाँ पे फाइट चल रहा है आर्मेनिया दिस इज आर्मेनिया टर्की अजरबैजान दिस इज अजरबैजान नागोरोना नागोरनो काराबाक दिस एरिया यहाँ पे दिस इज फाइट इज गोइंग ऑन ये जो है एरिया ये वेस्टर्न एशिया ईस्टर्न यूरोप में है इंटरनेशनली रिकोगनाइज एज पार्ट ऑफ अजरबैजान है बट यहाँ पे जो मेजॉरिटी है वो अर्मेनियन की है आर्मेनियन यहाँ पे सेपरेटिस्ट हैं डिमांड चाहते हैं सीड करें टेरेटोरी तो इसीलिए अजरबैजान और अर्मेनियन पॉपुलेशन यहाँ पे ज्यादा है अर्मेनिया का सपोर्ट मिलेगा इन दे आर फाइटिंग ऑन दिस थिंग रशिया के दोनों को आम सप्लाई करता है आर्मेनिया को भी अजरबैजान को भी और रशिया के दोनों से क्लोज टाइज है ऑकेशन रीजन फिर से अभी न्यूज़ में है देन दिस इज़ द वर्ल्ड न्यूज़ आयरिश प्रॉब्लम फिर से आ रही है आयरिश प्रॉब्लम ये यूके है यूके के इधर ये आईलैंड है नॉर्दर्न आइलैंड इज़ कंट्रोल्ड बाय यूनाइटेड किंगडम और ये आइलैंड है इनके बीच में बॉर्डर नहीं है ये एरिया ब्रेगजिट से बाहर हो गया और ये एरिया अभी ईयू में है ये ब्रेग्जिट हो गया ये ई में है तो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स कैसे करें ये जो बॉर्डर है वो वहाँ पे है नहीं है सच इस पर कैसे करें इस बात पे अभी डिसीजन हो रहा है आयरिश प्रॉब्लम हार्ट ऑफ द डिस्प्यूट ब्रूजल्स और लंदन में है ब्रेगजिट लेजिस्लेशन में कि विड्रॉवल अग्रीमेंट जो है क्रिएशन हार्ड बॉर्डर जो नॉर्दर्न आयरलैंड में बनाए नहीं बनाए कैसे करें जो पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम का है और आयरलैंड जो है बाकी रेस्ट ऑफ द आयरलैंड कंट्री वो रिमेन है यूरोपियन यूनियन में बॉर्डर कैसे यहाँ पे डिसाइड होगा देर आर करंटली नो बॉर्डर कंट्रोल बिटवीन द टू और फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल हो रहा है तो वंस इट इज गॉन आप इसको कैसे मैनेज करोगे इस बात पे? अभी यहाँ पे टसल है देन दिस इज अबाउट इकोनमी ऑटो सेल्स अप है टच डाउन बाय एयर इंडिया वन है मैन्युफैक्चरिंग पी एम आई सी फिफ्टी सिक्स पॉइंट एट आया विच इज़ अ गुड थिंग एक्सपेंशन प्लस फिफ्टी मतलब एक्सपेंशन लोअर फिफ्टी मतलब कॉन्ट्रैक्शन सो दिस इज वाई गवर्नमेंट इज हेजिटेंट टू स्पेंड आयरिश प्रॉब्लम दिस इज अबाउट आर्मेनिया अजरबैजान फिफ्टी सिक्स पॉइंट एट अगर हम सिंपली न्यूज पेपर पढ़ते हैं ना नोट्स नहीं बनाते हैं तो रिटेंशन इज़ वेरी लेस आज से दो महीने बाद आपको इस दिन का न्यूज़पेपर रिवाइज़ करना है आप बताओ कैसे करोगे पूरा पीडीएफ तो वी कॉन्ट डू मैनेजेबल नहीं होगा प्रैक्टिकल नहीं होगा दैट इज़ वाई नोट्स बनाना जरूरी है द वे वी आर डूइंग दिस सेकेंड आज अगर आप वीडियो देख रहे हो नेक्स्ट डे आप उसके नोट्स देख रहे हो इससे रिटेंशन बहुत ज़्यादा होगा हाई रिटेंशन होता है एंड रिविजन इज ऑल्सो गुड सो दैट इज़ वाई वीडियो प्लस नोट्स नोट्स यू कैन गेट पी डी एफ फ्रॉम टेलीग्राम एंड दिस पिक्चर फॉर्मेट में यू कैन हैव इट फ्रॉम इंस्टाग्राम और ये नोट्स फाइनल नहीं है ये नोट्स एक प्राइमर है इस पर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग एड़ ऐड करो एडिटेबल है ये कम्प्लीटली सो दिस विल इज अप योर वर्क और ये चीज़ जो अगर रिवाइज होगी विद रेगुलर रिविजन होगा ये रियल एग्जाम में बहुत हेल्प होती है ये चीज़ें नाउ दिस इज़ अबाउट मैप कॉकेकस ये काकेकस है मोस्ट लिंग्विस्टिकली कल्चरली डाइवर्स रीजन है अर्थ का इसमें कॉकेकस टूडे में पोस्ट सोवियत स्टेट्स हैं पहले यूएसएसआर था यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो ये पोस्ट सोवियत स्टेट्स हैं जॉर्जिया जिसमें अदजारा और अब खाजिया भी है अजरबैजान है जिसमें दिस नाग छिवन भी है और अर्मेनिया है जो रशियन फेडरेशन तो दिस एंटायर एरिया इज कॉकेकस इस पूरे को कॉकेकस बोलते हैं हाइएस्ट माउंटेन यहाँ पे एल्ब्रूज है डेमोनिम दिस 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 इज कॉकेकस यहाँ कजाकिस्तान है इस साइड फिर ये कैसपियन सी आ जाता है ये ऊपर रशिया है ये नॉर्थ काकेकस है तो रशियन फेडरेशन भी हो गया ये एरिया है देन ये ब्लैक सी है दिस इज जॉर्जिया ये साउथ एंड दिस इज अजरबैजान दिस इज आर्मेनिया एंड दिस इज रीजन यहाँ पे अभी फ़ाइट चल रही है इस रीजन पे फ़ाइट चल रही है अभी कंट्रोल बाय दिस एंड मेजोरिटी आर्मेनियन उथ में टर्की तो so, हमने सेंट्रल एशिया पढ़ा था अपने कैपिटल बताई अब आप बताओ ये जो है इनमें भी ये जो अजरबैजान आर्मेनिया जॉर्जिया इनकी कैपिटल क्या है सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर टुडे मैप कॉकेकस सो so, आज हमने पढ़ा दिस इज एक्सप्लेन सेक्शन इंडियन एक्सप्रेस वेरी गुड मैप है ये दिस अजरबैजान एंड आर्मेनिया एंड दिस इज अबाउट इम्यूनिटी बूस्टर दिस इज गैलरी और ये है महात्मा गांधी जी एज इंटरकल्चरल इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लाल बहादुर शास्त्री जी क्रिटिक अनडाइंग एम्बर्स इंट्रोस्पेक्शन सोसाइटी इंडिविजुअल लेवल पे दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल गांधी जी शास्त्री जी बायपोल्स अटल टनल एंड दिस इज जी एस टी कलेक्शन एंड ये आज के रैपिड जी के सवाल हैं और दिस इज सेकेंड अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ